हेलो फ्रेंड्स, ये NFS का 5100 DVR है। मॉडल नंबर इसका 5100 और ये 3K अल्ट्रा HD इसकी रेजोल्यूशन होती है। इस वीडियो में इस DVR को यूज़ करके बताऊंगा आप कैसे यूज़ कर सकते हो पूरा वर्किंग और इसकी वायरिंग कैसे करनी होती है इस DVR की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे कनेक्शन करना है, कैसे इसको यूज़ करना है। ओके, बॉक्स के अंदर आपको ये 3 आइटम मिलता है, ये DVR, ओके, और DVR को हैंग करने के लिए ये आपको एक स्टैंड होगा, यहाँ पर लगाना होता है इसको, और इधर पेस्ट लगी हुई है। ओके, आप इसको ग्लास में चिपका सकते हो फ्रंट कैमरा के लिए, इस टाइप से चिपक जाएगी। ओके, और ये कनेक्शन के लिए वायरिंग दिया हुआ है इसमें पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए। मैं भी कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये सी टाइप कनेक्शन है, ये आपका DVR में जाएगा सी टाइप का कनेक्शन। ओके, सी टाइप, और इस ये हार्ड वायरिंग एक्चुअली इसमें 3 कलर की वायर है। आपको ब्लैक कलर की वायर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे डेमो पे कनेक्ट किया हुआ है, आप कार में लगाओगे तो बॉडी के साथ इसको अर्थ से कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो येलो वायर है ये डायरेक्ट बैटरी से जाएगा। ओके, ये डायरेक्ट बैटरी की पॉइंट से पॉजिटिव टर्मिनल से आपको कनेक्ट करना होता है येलो वायर को। एंड जो रेड वायर है इसको आपको इग्निशन से कनेक्ट करना होता है, जो आप की करंट इसमें जाएगी। ओके, इग्निशन से, ये SEC लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इग्निशन से आपको कनेक्ट करना है। ये डायरेक्ट बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये बॉडी से। ओके, और ये सी टाइप की जो कनेक्शन जैक है ये आपको DVR में कनेक्ट करना है, यहाँ पर। और बैटरी की जो कनेक्शन है हमेशा ऑन रहेगी, क्योंकि आप डायरेक्टली लगाओगे तो ये हमेशा ऑन रहेगी। और ऑन होने के बाद इसमें आपको ये ब्लिंक टाइप से होएगा, यहाँ पे LED ब्लिंक करेगी जब आप इग्निशन ऑन करोगे, और इस टाइप से ट्यून आएगी। अब इसमें नोटिफिकेशन आएगा, प्लीज इंसर्ट TF कार्ड, तो इट मेमोरी कार्ड, तो इट मीन्स कि आपको इसमें मेमोरी कार्ड लगाना है। ओके, इसमें कौन कौन सी मेमोरी कार्ड सपोर्टेबल है इसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस टाइप की आप मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हो। सारा मेमोरी कार्ड एक्चुअली सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि मेमोरी कार्ड में बहुत तरह की टाइप होती है, तो कुछ ही टाइप DVR में काम आती है। तो आप इस टाइप में से मेमोरी कार्ड इसमें डालोगे तो ये सपोर्ट करेगा। ओके, मेमोरी कार्ड को आपको यहाँ पर डालना है जहाँ पे सी टाइप की कनेक्शन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो TF लिखा हुआ है, और किस डायरेक्शन में डालना है ये भी इसमें दिया हुआ है। आप देखो सी टाइप की जो जैक है उसके ऊपर में डायरेक्शन दिया हुआ है और TF कार्ड लिखा हुआ है। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, और लगाते टाइम आप जब इसमें पुश करोगे मेमोरी कार्ड को, क्लिक की आवाज़ आएगी, इट मीन्स कि ये परफेक्टली इसमें फिट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें मेमोरी कार्ड लग चुकी है, और ये रिकॉर्डिंग कर रही है, DVR रिकॉर्डिंग मोड में है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब नेक्स्ट इसमें कैसे आपको ये चेक करना है क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, प्लेबैक कैसे देखनी है। ओके, और कैसे स्नैपशॉट लेना, स्नैपशॉट के लिए एक्चुअली यहाँ पर आपको 2 बटन मिल रहा होगा, इसमें से राइट का जो बटन है ये स्नैपशॉट के लिए है, और लेफ्ट का जो बटन है ये पावर बटन है। ओके, इस DVR को आपको बंद करना है, पावर बटन से बंद कर सकते हो, और ये स्नैपशॉट के लिए है। ओके, अब आपको रिकॉर्डिंग चेक कैसे करनी है इस DVR की, तो इसके लिए आप स्मार्टफोन, यदि आपका एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर को ओपन करना, या फिर आपका आईफोन है iOS तो आपको ऐप स्टोर ओपन करना है और सर्च करना है विडोर। ओके, आप स्पेलिंग देख लो क्या लिखा हुआ है विडोर। ओके, आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एप्लीकेशन विडोर डैश कैम व्यूअर। ओके, इसको आपको इंस्टॉल कर लेनी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो विडोर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, या फिर आपके ऐप लिस्ट में भी आ जाएगा। मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ विडोर एप्लीकेशन को। ओके, यहाँ आपको परमिशन अलाउ कर देना है, एग्री, ऐड कैमरा,
आपको लोकेशन परमिशन दे देना है। बैक एड कैमरा, वाईफाई का परमिशन देना है। ओके तो आपको सबसे पहले अब करना क्या है, इसमें से वाईफाई रिलीज होती है यानी एक हॉटस्पॉट के तरह से काम करता है। इससे आप इंटरनेट तो यूज नहीं कर सकते बट इसको आप कनेक्ट कर सकते हो फोन से। ओके तो आपको वाईफाई कनेक्ट करनी है। ये जो डिवाइस आ रहा है, सॉरी, ये आपको इस पर क्लिक करना है और इसकी पासवर्ड आपको डालनी है 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके आपको फिर करना है कनेक्ट। ये आप देख सकते हो ये डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है, नो डेटा कनेक्शन। आपको अगेन एप्लीकेशन पे आना है, बिडूर एप्लीकेशन पे, बिडूर, ये यहाँ पर आ चुका है कैमरा कनेक्टेड। और यहाँ पे अभी कैमरे में क्या हो रहा है उसकी आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। ओके और यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग जैसे चेक करना होगा कि इसमें कौन कौन सी फाइल रिकॉर्ड हो चुकी है, तो आप कैमरा फाइल्स पे जाओगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा और इसके अंदर जो भी रिकॉर्डिंग आ चुकी है यहाँ पे आप ओके कर लो। ओके जो भी फाइल्स आ चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हो, सारी फाइल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ओके यदि आपने पिक्चर क्लिक करा हुआ है स्नैपशॉट में आएगा। आपने देखा कि यहाँ से मैं कैमरा फाइल से रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ, देखना यहाँ पे आप देख भी सकते हो रिकॉर्डिंग हो रही है। और यहाँ पे ऐसे भी आपको यहाँ रिकॉर्डिंग मोड दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर दिखेगी ब्लिंक करती हुई, इट मीन्स की रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये छोटा सा जो आपको होल दिख रहा है ये एक्चुअली माइक है, और यहाँ से माइक को ऑन ऑफ भी कर सकते हो इस बटन से। आप इस पर क्लिक करोगे तो माइक ऑफ हो जाएगी और इसी पर आप क्लिक दोबारा करोगे तो माइक ऑन हो जाएगी। ओके देन आपको कैमरे की कुछ सेटिंग करना हो तो बॉटम में आपको बटन मिलेगा कैमरा सेटिंग, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैमरा से रिलेटेड, DVR से रिलेटेड जो भी सेटिंग है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके 3, 2, 1